और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के यहां डकैती का आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। एसटीएफ ने डिप्टी एसपी की टीम के साथ मुठभेड़ में 1,00,000 के इनामी डकैत मंगेश यादव को मार गिराया। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसरपुर पुरैना में एनकाउंटर हुआ है। घायल मंगेश को सीएससी भदैया भेज दिया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके से 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा, एक बाइट और लूटे जेवर बरामद हुए हैं। जौनपुर के रहने वाले मंगेश पर कई मुकदमे दर्ज थे। हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, उस जगह की तस्वीर आप देख सकते हैं। उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इस वक्त अपनी छानबीन पुलिस कर रही है। सुल्तानपुर में यह एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भारत ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती में शातिर शामिल था। पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिलहाल उसे घायल किया गया था, लेकिन जब तक अस्पताल लेकर जाया जाता उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन था वो एसटीएफ और डिप्टी एसपी की टीम ने अंजाम दिया। मुठभेड़ में 1,00,000 का जो इनामी डकैत था मंगेश, वो मारा गया है। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसरपुर पुरैना में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। ऋषभ मणि और अधिक जानकारी के साथ जुड़ आए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी से मिलकर किस तरह से इसे घेरा गया और किस तरह से ये कई मामलों में वांछित बताया जाता है पहले भी? देखिए, 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े बड़ी डकैती पड़ी थी, जिससे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए डीजीपी के लेवल से, एसटीएफ के लेवल से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। और तीन आरोपी कल रात को सुल्तानपुर पुलिस के साथ एक हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए थे। एक आरोपी विपिन सिंह सरेंडर करके जेल चला गया। मंगेश यादव जो इस डकैती का मुख्य अभियुक्त था, इसके ऊपर एसटीएफ भी लगी हुई थी। और आज भोर में सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर में इसका मूवमेंट है, जिसके बाद एसटीएफ के डिप्टी एसपी डी के शाही और विमल सिंह की टीम ने इसकी घेराबंदी की है। और मिसरपुर करके इलाका है वहां पर, यहाँ एसटीएफ के ऊपर ये फायरिंग करके भाग रहा था अपनी बाइक से। एसटीएफ की टीम ने जब जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी फायरिंग की है, तो उसमें बुरी तरह घायल हुआ है मंगेश यादव, जिसको पांच ही सीएचसी में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसको मृत घोषित कर दिया गया है। इसके कब्जे से एक पिस्टल, तमंचा, कारतूस और भरतजी ज्वेलर्स के यहाँ वारदात में लूटे गए जेवर भी बरामद हुए। मंगेश यादव के बारे में बताया जाता है कि इसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, आसपास के जिलों में ये मुकदमे दर्ज हैं। तो ये मान के चलिए कि एक इलाके में इसका आतंक था, आतंक का पर्याय था। मंगेश यादव बड़ा लुटेरा था, जिसको अब एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार दिया। तो ऋषभ, ये कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता एसटीएफ और वहां जो स्थानीय पुलिस है उनके लिए ये? जी बिल्कुल, वहां जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, करीब 4-5 जिलों के, उन लोगों के लिए राहत की खबर है। चूंकि ये बड़ा लुटेरा था, बड़ा डकैती की कई वारदातों में शामिल था, हत्या के प्रयास जैसे कई मामले इसके ऊपर दर्ज थे। तो अब मुठभेड़ में मंगेश यादव मारा गया है, लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए ये राहत की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। और देखिए, हम आपको दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसमें 28 अगस्त की डकैती का वो फुटेज भी है जो सीसीटीवी में कैद हुआ था। किस तरह से अपने साथियों के साथ मंगेश पहुंचता है वहां पर, डकैती को अंजाम देता है और फिर बेखौफ होकर वहां से निकल जाता है। हालांकि 28 अगस्त के बाद लगातार पुलिस इसे ढूंढ रही थी और आज सुबह खबर ये आई है कि इसका एनकाउंटर कर दिया गया है और इसकी मौत हो गई है।